हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। अभी अपने सारे हेयर को मैं हेयर बैंड की वजह से सिक्योर कर लूँगी ताकि मेकअप में कोई परेशानी ना हो। अभी मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर सारे मेकअप के आगे लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और इसके वजह से हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और अच्छे से ब्लेंड भी होता है। मॉइस्चराइजर के बाद मैं लैक्मे का जो फाउंडेशन है इसे ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देन मैं लेंस वेयर करना भूल गई थी, तो मैं अभी अपना लेंस को वेयर कर लूंगी। इसका फुल ट्यूटोरियल मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको लेंस पहनना नहीं आता तो आप मेरा पहले का जो वीडियो है वो देख सकते हो। मैं आई बटन पर उसका जो लिंक है वो डाल दूंगी। अभी मैं अपने फेस को कॉम्पैक्ट की मदद से सेट कर लिया है और अभी मैं एक आईब्रो पेंसिल की मदद से अपने आईब्रो को भी अच्छे से फिल कर लूंगी। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा मुझे अप्लाई करना बहुत पसंद है। अभी मैं आपको एक हैक दिखाने वाली हूँ। यही मस्कारा से मैं अपने आईब्रो को भी थोड़ा सा ब्रश कर लूँगी। इससे जो इफेक्ट है ये बिल्कुल नेचुरल आता है और आईब्रो दिखने में भी और भी ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो चलिए आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप के लिए मैं जो ओम्ब्रे कलर है इससे आप अपने आई के पीछे की तरफ अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैं थोड़ा सा फिंगर टिप में लगा के अच्छे से डैप डैप करके उसे पीछे की तरफ ब्लेंड कर लूंगी। दूसरे आई पर भी हम सेम करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा येलो कलर लेके अपने आंखों के सामने की तरफ अच्छे से लगा के उसे ब्लेंड कर लूंगी फिंगर टिप्स की मदद से। एंड देन जहाँ पर हमने येलो कलर लगाया है वहाँ पर हम ग्लिटर येलो कलर से अच्छे से डैप डैप करेंगे और वहाँ पर ग्लिटर येलो कलर को अच्छे से ब्लेंड करके लगा देंगे। तो ये मेरा सिंपल सा आई मेकअप बिल्कुल तैयार हो चुका है। कैमरा में शायद नहीं दिख रहा, दोनों आई पर सेम ही किया है। अभी मैं आईलाइनर से एक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है, आप देख सकते हो पीछे की तरफ मैंने एक विंग ड्रॉ किया है और उसके अंदर मैं आईलाइनर से उसे फिल कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से। और सामने से मैं एक थिन सा लाइन ड्रॉ करूंगी और उसे पीछे की जो विंग है उसके साथ जोड़ दूंगी बिल्कुल इसी तरह से। फर्स्ट जो मैंने ओम्ब्रे कलर यूज किया था उसे मैं लोअर लाइन पर भी थोड़ा सा लगाऊंगी। उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर लूंगी अपने दोनों आंखों पे। फॉल्स लैशेस को अपने आई पर अप्लाई कर लूंगी। फॉल्स लैशेस अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके आई का जो लुक है बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। और इसे अप्लाई करने का पूरा ट्यूटोरियल मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पर उसे डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप कलेक्ट कर सकते हैं वो वीडियो। एंड देन मैं अप्लाई करूंगी एक रेड कलर की लिपस्टिक। ये सेम लिपस्टिक से मैं अपने ब्लश भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जिस कलर की लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ उसी कलर की थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करने से नहीं हमारा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिनिश आएगा। एंड देन लास्ट में हम अपने पूरे फेस को चमका देंगे हाइलाइटर की मदद से। एंड इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमारा मेकअप हो चुका है डन। उसके बाद मेकअप को सेट कर लिया है एंड दिस इज द फाइनल लुक।